तो 7 तारीख के पास जब हम रुके थे तो दो बच्चे आ गए और वो लोग हैंडशेक करने लग गए अपने भाई के साथ। और वो लोग पूछने लगे अपने भाई को कि आपके बाइक के बारे में बताइए, क्या है, कैसा है इसका कुछ। तो भाई भी अपना बहुत ही अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर रहा है, तो वही कुछ मेमोरीज रिकॉर्ड करें अपनी। जब इधर पे पेट्रोल पंप पे आए और मैं अपना फ़ोन चेक कर रहा था तो तब मेरे को पता चला कि मेरा फ़ोन डेड हो गया है। तो पता नहीं, मैंने बहुत ट्राई करा, ओपन हुआ नहीं, लेकिन तो ये दास्तान है 26 मई 2024 की। तो सुबह के 4:15 बजे उठ के हाफ आवर में तैयार होके 5:15 बजे सांगोला से निकल के अभी टोल गेट आप देख सकते हैं कि मैंने पार करा है। तो अभी मेरे को जाना है जयसिंहपुर, जयसिंहपुर से उधर से एक एक्सटेनर लेके तो फिर आगे महाबलेश्वर राइड का प्लान है। लेकिन जो रूट होगा बहुत ही एडवेंचरस रूट होगा और कुछ मज़ेदार व्लॉग है, बहुत ही मज़ेदार व्लॉग है, तो आप आगे इंजॉय करिए। तो गुड मॉर्निंग मंडली, 5:49 रीच रामली फाटा। अभी जाएंगे 10 मिनट में आराम से, थोड़ा बीच में रुक के मूंगफली ले लेते हैं क्योंकि कुछ पता नहीं आगे कुछ क्या कैसा होगा, तो बैकअप प्लान होना चाहिए अपना डेली स्टॉप रुकने का। कोई शंगदन दिख चर तो मंडली अभी आ गए जयसिंहपुर। जयसिंहपुर से अपने साथ एक टेनर और एक एफजी आएगी। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसकी। गाइस 2:20 निकल चुके हैं। मंडा जे खास रिएक्शन, मंडा जे खास आकर्षण, द माइट इज द एक्सटेनर ऑन एयर ओपन सिस्टम।
जैसे कि आपने अभी देखा कि धीरे धीरे कछुए कछुए जैसे आराम आराम से, जैसे कि आपने जयसिंहपुर से कोल्हापुर के पास पे आ गए हैं अभी मिट्टा पॉइंट के पास, तो इधर आने पे ऑब्जर्व करा कि बाइक का फ्यूल आधा हो गया, तो दोनों बाइक में फ्यूल फुल करके जाते हैं, तो उधर से ही मतलब आगे अच्छे से जा सकेंगे। तो अभी चलो पेट्रोल पंप पे जाके फुल करा देते हैं बाइक को पावर से, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो आधे लोग ऑलमोस्ट आ गए, आधे अभी रह गए, तो उनका वेट करते हैं और उनके आने पे अभी निकलते हैं फटाक से और आगे जाके कवर करते हैं, क्योंकि आगे जाके कराड़ से भी लोग ज्वाइन करेंगे, उधर पे ब्रेकफास्ट अरेंज किया है, तो उधर पे जाके मतलब बहुत आगे कवर करना है, उसके बाद में बहुत लंबा रूट है। चलो जल्दी से चलते हैं। तो मंडली, दिस इज द लाइनअप फॉर टुडे, इट्स ग्रुप राइड। कराड़ से भी ग्रुप ज्वाइन करेगा आगे। ओके। सामने है अपने ZX10Rs, दोनों भी एरोफुल सिस्टम के साथ है, बस एक 2023 है एक 2021, और अपनी CBR650 और reaction. इधर पे पेट्रोल पंप पे आए और मैं अपना फ़ोन चेक कर रहा था, तब तक मेरे को पता चला कि मेरा फ़ोन डेड हो गया है, पता नहीं मैंने बहुत ट्राई करा ओपन हुआ नहीं, लेकिन थैंक गॉड आगे जाके वो अपने आप फ्यूचर हो गया, नहीं तो मेरे को बहुत स्टार्टिंग की, क्योंकि राइड के स्टार्ट में ही अगर फ़ोन बंद हो गया तो उसके आगे मैं मतलब कैसे कॉन्टेक्ट करूँगा, बहुत ही मतलब परेशानी थी, लेकिन मैंने अपने दोस्त को बता दिया था कि ऐसा ऐसा सीन है। CBR में बैक फायर खट्टा खट्टा रहे अच्छे वाले। तो अभी मसला ये की है, मेरा फोन अभी ऑन नहीं हो रहा, दम तोड़ दिया अचानक से, तो कुछ आइडिया नहीं है। पता चला कि इधर पे ब्रेक
ब्रेकफास्ट करना है, मतलब पहले ही पता था। तो उधर जाने के बाद पता चला कि कैस्ट्रॉल की ओर से अरेंज है, मतलब स्पॉन्सर है। तो उधर जाने के बाद अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट था, ऑब्वियसली अनलिमिटेड ही होता है सब तरफ, और वराइटीज़ थे, अच्छा थे, फूड क्वालिटी वगैरह अच्छी थी। तो वो सब होने के बाद उनका एक सेमिनार हुआ, उन्होंने मतलब उनके प्रोडक्ट को प्रमोट वगैरह करा। उसके बाद में सब लोगों को चेन ल्यूब्स वगैरह बांट दिए, और उसके बाद अपन फिर से अपने चले गए अपनी जर्नी को। तो उसके बाद कंटिन्यू करा, तो इधर आने के बाद हमने वो पीछे मुड़ के देखा तो एक एसटी महामंडल उनकी गाड़ी बंद पड़ी थी। लेकिन उधर के जो अंदर के मतलब जो ड्राइवर भैया थे तो वो लोग खुश थे, उनके थे, उनको बाइक्स पसंद आ रही थी। वो सब बाइक के बारे में पूछ रहे थे कि किस बाइक का कैसा है क्या है, उनको मतलब जानने में दिलचस्पी थी। तो हम लोग सब लोग उनको बता रहे थे, ये कर रहे थे। तो उसके बाद में और दो तीन बच्चे आ गए, तो आप देख सकते हैं कि हमारे एक फेलो राइडर कि कैसे मतलब बच्चों के लिए बता रहे हैं, उनको कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, यूथ को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं बाइक्स के लिए, उनको लोग बता रहे हैं, वो लोग कुछ तो पूछ रहे हैं। मेरे को पता नहीं, इतना कुछ आइडिया नहीं, लेकिन हम्बलनेस आप देख सकते हैं कि कैसा चल रहा है, कि मतलब बाइकर कैसे बिहेव करता है सभी लोगों के साथ। तो आप भी मतलब गुजारिश करूँ कि आप भी ऐसे कुछ सबको ट्रीट करें। आप देख सकते हैं कि अभी घाट स्टार्ट हो गए और मज़े भी आ रहे हैं और डर भी है। डर इस बात का है कि CBR अपन इतनी वेट वाली गाड़ी लेके जा रहे हैं, अगर कुछ लेन में इधर उधर हो गया, सामने से बाइक वगैरह गई, तो ना थोड़ा बहुत मतलब बाइक से प्यार है, बाइक को अगर कुछ हो जाए तो उसी की ज़्यादा चिंता है, खुद से ज़्यादा। तो बस वही, अगर आगे इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन शुरू शुरू के कॉर्नरिंग में आपको भी पता रहेगा, मतलब आपने भी एक्सपीरियंस करा रहेगा कि कॉन्फिडेंस कम रहता है, आगे जाके वो धीरे धीरे बिल्ड हो जाता है। तो एंजॉय कर रहे हैं बस व्यू को। तो गाइस इतना ऊपर आ गए हैं हम, तर मंडळी आता आलेलो आहे, कुठं आले काय माहित नाही। अंधवी चांगला रूट आहे, आय कॅन सी द स्काय। ओडिया ही बाइक चालू आहे पटर के पास, और उधर आप देख सकते हैं कि पूरे एक लाइन में, एक कतार में सब बाइक्स लगी है, सब लोग फोटोज वगैरह खींच रहे हैं, सब लोग एंजॉय वगैरह कर रहे हैं, सबका मतलब मजे लेने का चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इधर फूल वगैरह ज़्यादा नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि हम जब विजिट कर रहे थे तो ये 26 मई की बात है, और इसमें अगर फूल जो आते हैं वो अगस्त सितंबर में आते हैं, तो इसलिए मतलब बस खाली लोकेशन थी, उधर मतलब फूल वगैरह नहीं थे। लेकिन ऊपर का जो स्काई वगैरह था, बाकी की जो डिटेलिंग वगैरह थी, तो आप गेस कर सकते हैं कि सितंबर में और अगस्त में क्या ही दिखता होगा। तो वी विल ट्राई कि फिर से मतलब जब यहाँ पे फूल वगैरह आएंगे तो फिर से विजिट करेंगे। तो अभी एडवेंचर बाइक्स ने ओवरटेक कर लिया है सुपर बाइक को, अभी सुपर बाइक्स पीछे हैं, आराम आराम से जा रही हैं, क्योंकि अभी एडवेंचरस रोड है, किधर पे ही गड्ढे आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, ऑफ रोडिंग आ रही है। तो सुपर बाइक से ऑफ रोडिंग करना मतलब बहुत बड़ा रिस्क है, फेयरिंग डैमेज हो सकती है, रिम बैंड हो सकते हैं, बाकी वगैरह वगैरह। तो अभी धीरे धीरे जा रहे हैं, और बाकी के जो भी मतलब एडवेंचरस बाइक है, कम्यूटेटर बाइक है, वो सब आगे है अभी। तो अभी अपन बस खाली वेदर को एंजॉय करते हैं, धीरे 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 जा रहे हैं आगे। तो गाइस एडवेंचर के मज़े, तो शिवम भाई ऑन हिज वेरली 502। तर मंडी रास्ता अच्छा है, महाबळेश्वर पामजोटी मनावळी।
गाइस नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड महाबलेश्वर। तभी अपने ग्रुप राइड में दो बाइक का फ्यूल ख़त्म हो गए, एक है पल्सर 220 और एक है बेनेली 600। तो अभी ऑलरेडी व्लॉग बहुत बड़ा बन गया है, मेरे को ये दो या तीन पार्ट में व्लॉग डालना है। लेकिन आपको फिर भी बताता हूँ कि अभी तक जो आप उन्हें आए मतलब इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं, इसके आगे से अब डिफिकल्टी स्टार्ट हो रही है क्योंकि दो बाइक्स का तो प्रॉब्लम आ गया है, उसके बाद में आगे में और एक बाइक का प्रॉब्लम आता है। तो आप देखिए कि वो कैसे हमने सॉल्व किया, और आपको अगर ये प्रॉब्लम आ सकती है तो आप कैसे प्रिपेयर करके जा सकते हैं, और आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो यही था आज की वीडियो में, दैट्स इट।